नमस्ते, मेरा नाम ऋषभ है और आप दी लल्लनटॉप डॉट कॉम देख रहे हैं। राजस्थान के डूंगरपुर जिले में कर्ज माफी के नाम पर एक घोटाला सामने आया है। राजस्थान में मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ तीनों राज्यों में कांग्रेस की सरकार आने का एक बड़ा रीजन किसानों की कर्ज माफी का वादा था, लेकिन जो ये घोटाला सामने आया है इसमें एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है? पूर्ववर्ती वसुंधरा राजे सरकार ने साल 2018 में सहकारी बैंकों से लिया गया 50,000 रुपये तक का लोन माफ़ कर दिया था। डूंगरपुर जिले में जब ऐसे लोन माफ हुए किसानों की लिस्ट आई तो इसमें कई नाम तो ऐसे किसानों के थे जिन्होंने कभी लोन ही नहीं लिया। मामला डूंगरपुर के सागवाड़ा तहसील में गोवाड़ी एक पंचायत है, वहाँ के सहकारी लैम्प्स बैंक का है। क्या है पूरा मामला, मैं आपको पॉइंट्स में आसानी से समझाता हूँ। पॉइंट नंबर एक, वसुंधरा सरकार ने सभी किसानों का सहकारी बैंकों से लिया गया 50,000 रुपये तक का लोन माफ कर दिया था। 4 मई 2018 को इस संबंध में सरकार ने आदेश निकाले थे जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। दूसरा पॉइंट, इन सरकारी बैंकों में तात्पर्य प्राथमिक कृषि ऋणदात्री सहकारी समिति जिनको पैक्स बोला जाता है, और दूसरे बहुउद्देशीय वृहत कृषि सहकारी समिति जिनको लैम्प्स बोला जाता है, दोनों शामिल थे। ऐसा ही एक लैम्प्स बैंक गोवाड़ी पंचायत में भी है जो डूंगरपुर जिले में पड़ता है। कर्ज माफी की इस योजना को राजस्थान फसली ऋण माफी योजना 2018 नाम दिया गया था। तीसरा पॉइंट, जब राज्य सरकार ने लोन माफी वाले किसानों के नामों की लिस्ट ऑनलाइन अपलोड की तो लैम्प्स गोवाड़ी जो बैंक था, सहकारी समिति बैंक, उसमें जिन किसानों के नाम लोन माफी में थे उनमें से बहुत से किसानों ने तो लोन ही नहीं लिया था। साथ में कई सारे किसानों के नाम ऐसे थे जो भारत में ही नहीं रहते, खाड़ी देशों में काम करते हैं। इन सब के नाम फर्जी लोन जारी किए गए। साथ ही कुछ किसानों का नाम कर्ज माफी लिस्ट में जो अमाउंट दिखाया गया था, जैसे किसी के खाते में 60,000 रुपये दिखाए गए थे जबकि उसने लोन 30,000 का ही लिया था, ऐसे भी खाते थे जिनमें जो अमाउंट दिखाया गया था वो लोन के अमाउंट से, जो किसानों को लोन का अमाउंट मिला था उससे ज़्यादा था। चौथा पॉइंट, अब माना जा रहा है कि जो बैंक अधिकारी थे इनको अंदाजा रहा होगा कि सरकार किसानों के लोन माफ़ करने जा रही है, ऐसे में इन्होंने किसानों के नाम से फर्जी लोन जारी किए और जब वो माफ़ हो गए तो जो पैसा जारी हुआ था वो इनके जेब में चला गया। इस बैंक से करीब 1719 किसानों के लोन माफ़ हुए हैं जिसकी जो रकम है वो 8,30,00,000 रुपये के करीब बताई जा रही है। पांचवा पॉइंट, मामला सामने आने के बाद गहलोत सरकार ने जिम्मेदार अधिकारियों पर एक्शन लिया है। सागवाड़ा लैम्प्स बैंक का जो डायरेक्टर हैं उनको सस्पेंड कर दिया गया है। साथ में ही इसके आसपास के जो हैं जेठाणा और गामड़ा ब्राह्मणिया लैम्प्स जो हैं उनके भी जो अधिकारी हैं, डायरेक्टर्स हैं, उनके वित्तीय अधिकारों को सस्पेंड कर दिया गया है। मतलब वो किसी भी ट्रांजैक्शन को अपने नाम से नहीं करवा सकते, जो उनके वित्तीय अधिकार थे वो अब निलंबित कर दिए गए हैं। गहलोत सरकार में सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने कहा है कि डूंगरपुर में इस घोटाले के सामने आने के बाद सभी जिलों में कर्ज माफी के सारे डॉक्यूमेंट्स की जाँच होगी। मतलब अब ये सरकार पता करेगी कि वास्तव में किसानों ने लोन लिया था या ऐसे ही घोटाला कहीं और पे भी हुआ है। छठवां पॉइंट, गोवाड़ी लैम्प्स के डायरेक्टर हैं नाहर सिंह चौहान, उनकी भी इस मामले पर सफाई आई है। चौहान का कहना है कि ये जो लिस्ट आई है ये मानवीय भूल के चलते ऐसी बनी है। ये जो नाम इस लिस्ट में चढ़ा दिए गए हैं ये किसी दूसरी लिस्ट में जाने थे जिनको लोन माफ़ी वाली लिस्ट में चढ़ा दिया, जिससे पूरी गलफत पैदा हुई। लेकिन इस मामले में अब जाँच शुरू हो गई है। स्थानीय लोगों ने इस लैम्प्स जो बैंक है इसके सामने प्रदर्शन किया और जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की है। अब ये तो रहा इस कर्ज माफी के जो घोटाला सामने आया है इसका स्टेटस। अब बात करते हैं कांग्रेस ने जो कर्ज माफी का वादा किया था उसका क्या स्टेटस चल रहा है। राजस्थान बीजेपी ने अपने फेसबुक पेज से एक न्यूज चैनल की वीडियो को शेयर किया है। इस वीडियो में चैनल के रिपोर्टर साफ साफ कहते सुनाई पड़ रहे हैं कि अशोक गहलोत की सरकार में कर्ज माफी का एक बड़ा घोटाला सामने आया है, और वो कह रहे हैं कि अशोक गहलोत सरकार के तीसरे, क्योंकि वो पहले दो बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, कि अशोक गहलोत के तीसरे कार्यकाल का पहला घोटाला सामने आया है। लेकिन सच्चाई ये है कि इस घोटाले का अशोक गहलोत सरकार की कर्ज माफी योजना से कोई लेना देना ही नहीं है। अशोक गहलोत ने कर्ज माफी का ऐलान तो कर दिया था लेकिन अभी ये योजना जमीन पर नहीं उतरी है। कर्ज माफी की योजना बनाने के लिए कैबिनेट कमेटी बनाई गई है जो यह तय करेगी कि सरकार किस तरह का कर्ज माफ करेगी, क्योंकि अभी एक छोटा सा डिस्कशन चल रहा है कि क्या सिर्फ सहकारी बैंकों का माफ होगा या नेशनलाइज बैंकों का भी होगा, जो सरकार अपना दावा कर रही है कि वो राष्ट्रीयकृत और सहकारी दोनों का कर्ज माफ करने की स्थिति में है। फिलहाल ये जो मामला है जिसको बीजेपी ने कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा के शेयर किया है अपने फेसबुक पेज से, ये बीजेपी पर ही उल्टा पड़ता दिख रहा है, क्योंकि ये जो घोटाला है ये बीजेपी की पूर्ववर्ती सरकार का ही नाम इसमें सामने आ रहा है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, उन्होंने इस घोटाले पर बयान दिया है, जो बयान दिया है आप वो इस वीडियो में सुन सकते हैं। 1700 किसानों के साथ
घोटाले का मामला डूंगरपुर में आया, कांग्रेस रिजिम में हो जबकि अभी तो कुछ स्टार्ट ही नहीं हुआ। ये शिकायत तो हमारी है कि बीजेपी राज में इतना बड़ा घोटाला हुआ है, ये तो एक खुला है। हो सकता है कि ऐसे घोटाला और सामने आए। मीडिया के जिस चैनल ने बात चलाई है उसको भी जिम्मेवारी का एहसास होना चाहिए कि भाई सरकार हमारी बनी है, लोन हमने दिए ही नहीं हैं। जिस गवर्नमेंट ने लोन दिए हैं उसके ऊपर आरोप है कि फर्जी लोग जो विदेश में बैठे हुए हैं उन्होंने लोन उठा भी लिए, चले भी गए और उनके लोन माफ भी हो गए, तो ये तो आरोप उन पर लगता है। चैनल चला रहा कांग्रेस का सरकार बनते स्कैम हो गया, दुर्भाग्यपूर्ण बात है। अशोक गहलोत के इस बयान से तो ये तो लगभग साफ हो ही जाता है कि ये वसुंधरा राजे की सरकार के समय की योजना थी जिसमें ये पूरा घोटाला सामने आया है। साथ ही जो चैनल हैं जिन्होंने इस खबर को इस तरह चलाया है उनको भी ध्यान रखना चाहिए कि जो खबर है उसकी तह तक जाके पता करें कि मामला क्या है। बहरहाल ये जो घोटाला है इसमें जाँच शुरू हो गई है, अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है, बाकी जगह पर भी जाँच की जाएगी। इस खबर से जुड़े हुए जो भी अपडेट्स होंगे हम वो आपको लगातार बताते रहेंगे। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास Android स्मार्टफोन है तो हमारी ऐप दी लल्लनटॉप को उसमें डाउनलोड कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।